50 वर्कर्स हैं उनकी डेली की इनकम दे रखी है, 100 टू 120 के बीच में 12 वर्कर की डेली की इनकम है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसका लेस देन टाइप ग्राफ तैयार करना है, वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है और उसका ओगीयू भी बनाना है। ओगीयू अभी बताऊंगा कैसे बनता है, क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तैयार करते हैं हम लोग। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे, देखो 100 से 120 के बीच के वर्कर जिनकी सैलरी 100 से 120 के बीच की है वो कितने है? 12 वर्कर है। तो लेस देन 120 कितने हो गए, लेस देन 120 जिसकी सैलरी 120 से कम है, 100 से 120 के बीच वाले 120 से कम भी है तो 12 वर्कर हो गए, कितने हो गए 12। इसी तरह लेस देन हम क्या देखेंगे, हम अपर लिमिट लेंगे इसमें, हालांकि लेस देन का ग्राफ तैयार करना है बट अपर, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। ओके, तो लेस देन 140, देखो 120 से कम कितने थे 12 वर्कर और 120 से 140 के बीच में 14 वर्कर, तो 140 से कम वर्कर कितने हो जाएंगे दोनों मिला के, 120 से कम वाले भी तो 140 से कम ही है ना, है ना, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास 26। ओके, 26 प्लस इन सभी का सम 160 से कम, ये सारे ही है 160 से कम, तो ओके 34 और 180 से कम तो ये सारे ही है, मींस कितना हो गया हमारे पास 40 और 200 से कम ये सारे ही है हमारे पास, कितने हो गए 50। ओके, ये हमारे लिए क्या हो गए स्टूडेंट्स, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमें ग्राफ, ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ओके, तो हम लोग नॉर्मली वाई एक्सिस पे हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेंगे जो ये वाला डाटा है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग हमारी जो भी लिमिट्स होंगी, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। अब ये लेस देन टाइप होगी तैयार किया है, लेस देन मीन्स 120 से कम वाला, तो अपर लिमिट यूज करेंगे हम लोग, कौन सी लिमिट यूज करेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट डेली इनकम इन रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ग्राफ पे कार्टेशियन प्लेन पे अगर हमें पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं तो हमें किस एक पेयर चाहिए होता है, ऑर्डर्ड पेयर, ये फॉर्म चाहिए होती है एक्स वाई, ये फॉर्म चाहिए होती है ना, एक्स एक्सिस पे एक्स का डाटा और वाई पे वाई, एब्सिसा कोऑर्डिनेट। अगर आप चाहो रफली आप ये कर सकते हो कि कोऑर्डिनेट कैसे तैयार कर सकते हो, 120.2 एक तो ये रिप्रेजेंट करना है, एक आपको तैयार करना है 140.26 160.34 यहां पे लिख लो, इजी हो जाएगा आपके लिए, 180.40 और लास्ट वाला क्या हो गया हमारे पास 200.50। हमें ये पॉइंट ढूंढने हैं इसके ऊपर एक्स का, इस पे हमारे कार्टेशियन प्लेन पे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 120 कहां पे ढूंढना होता है स्टूडेंट्स हमें, एक्स एक्सिस पे, और 12 कहां ढूंढेंगे, वाई एक्सिस पे। तो आपकी मर्जी, देखो आप ये गैप तो इसके अकॉर्डिंग लोगे 100 120 लाइक दिस, लेकिन यहां कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आपकी मर्जी, आप गैप दो दो का लो, पांच पांच का लो, दस दस का लो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको हमेशा दस का गैप लेना है। तो मैंने यहां पे पांच पांच का गैप ले रखा है, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50। ओके, तो पहला पॉइंट हमें ढूंढना है 120, एक्स एक्सिस पे 120 हो गया, और क्या ढूंढना है 12 कहां पे होगा अप्रोक्स हमारा, 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना, 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा भाई, ये जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा 120.10 होगा, 120.10 होगा। अगला जो पॉइंट है हमारा 140.26 से थोड़ा सा ऊपर होगा ना, आपके पास ग्राफ होगा इजीली बनेगा, ये जो पॉइंट आपका रहेगा इसको क्या बोलोगे आप 140.26। अगला जो है 160.34, 35 से थोड़ा सा कम, वन सिक्सटी कोमा थर्टी फोर
अगला हमारे पास 180,40। अप्रोक्स यहां पे 180,40। और अगला क्या है हमारे पास 200,50। अप्रोक्स यहां पे 200,50। ओके स्टूडेंट्स, ये सब कुछ करने के बाद आपको पता है क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है। आपको स्केल से नहीं मिलाना, बिल्कुल नहीं मिलाना स्केल से, आपको फ्री हैंड से इसको मिला देना है। कैसा भी ग्राफ बने आपको क्या करना है, इसको फ्री हैंड से मिलाना है। ओके स्टूडेंट्स, ये रहेगा हमारे पास किसका ग्राफ बन गया, लेस देन टाइप। और ये जो कर्व है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेस देन ओगी। इस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लेस देन टाइप ओगी। हमें इसका ओगी भी रिप्रेजेंट करना था। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेस देन टाइप ओगी बोलेंगे।